नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं मां बनिया देवी की। लाइव टाइम स्ट्रीम में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज ठाकुर। शिमला नालागढ़ मार्ग पर कुनिहार से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर साधारण पहाड़ी शैली में बनिया देवी का प्राचीन मंदिर अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का उदाहरण है। ऐसा सुनने में आता है कि रियासत काल में जब कुछ राजपूत राजा उज्जैन से बघाट रियासत में रहने आए थे तो उन्होंने इस स्थान पर अपनी कुल देवी की स्थापना की थी। इस देवी को 10 भुजाओं वाली सिंह वाहिनी भी माना जाता है और यह स्थली बनी नाम से भी पहचानी जाती है। लगभग 10 से 12 बीघे में फैले आम और अमरूद के फलों के बाग के मध्य में आम के वृक्ष के पास चमत्कारी जल स्रोत का चश्मा है जो किसी भी मौसम में सूखता नहीं है और निकटवर्ती गांव शाकली काउंटी व बनिया देवी के गांव वासी अधिकतर इसी चश्मे के पानी का प्रयोग करते हैं। इस चश्मे के फूटने अथवा बनिया देवी के प्रकट होने के पीछे एक लोक कथा भी है। जनश्रुति के अनुसार कुनिहार के राणा हरदेव सिंह को ब्रह्म मुहूर्त में एक दृष्टांत एवं भविष्यवाणी हुई कि मैं वन देवी दुर्गा तुम्हारे बगीचे में जन कल्याण के लिए प्रकट होना चाहती हूँ और मुझे निर्दिष्ट स्थान से निकालकर वहां पर मेरा मंदिर भी बनाओ। धर्म परायण राणा हरदेव सिंह ने राज पंडितों को बुलाकर सभा में स्वयं का दृष्टांत सुनाया व ज्योतिष आचार्यों ने गणना की और भविष्यवाणी को सही ठहराते हुए राणा जी को देवी की प्रतिमा को निकालने का निर्देश दिया। फलित शुभ मुहूर्त में सांकेतिक स्थान की बगीचे में खुदाई की गई और स्थल पर उपस्थित लोगों को तब आश्चर्यचकित होना पड़ा जब थोड़ी सी खुदाई पर ही उक्त स्थल पर ही दुर्गा माता की प्रतिमा और प्रतिमा के साथ 3 अन्य प्राचीन प्रतिमाएं निकली जिन्हें ज्योतिषियों ने माता दुर्गा के गणों की संज्ञा में विभूषित किया। राणा हरदेव सिंह का स्वप्न तो साकार हुआ ही, परंतु उससे भी अत्याधिक आश्चर्यजनक घटना यह हुई कि मूर्तियों की खुदाई संपन्न होते ही जमीन से मीठे पानी का चश्मा भी माँ दुर्गा के चरण कमलों से फूट पड़ा जो कि पहले नहीं था। माँ दुर्गा के दृष्टांत को अमली जामा पहनाते हुए हरदेव सिंह ने ना केवल मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की अपितु मंदिर बनवाकर प्रतिवर्ष माँ दुर्गा की पुण्य स्मृति में ज्येष्ठ मास की अष्टमी को मेले के आयोजन के निर्देश भी दिए। हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने से पूर्व राणा हरदेव सिंह बनिया देवी मेले का आयोजन करवाते थे और निकटवर्ती क्षेत्रों से कुश्ती प्रेमियों के लिए रियासत के नामी बड़े बड़े पहलवान कुश्ती में दांव पेच दिखाकर मनोरंजन भी करते थे। बगीचे में सप्ताह भर उनके ठहरने की व्यवस्था राज दरबार की ओर से होती थी। बनिया देवी मेले का मुख्य आकर्षण कुश्ती ही रहती है। आज बनिया देवी गांव को पर्यटन विभाग द्वारा भी हर गांव की कहानी में स्थान मिल गया है। आज पंचायत स्तर पर ज्येष्ठ माह की अष्टमी को लगने वाले मेले को बदस्तूर कायम रखा गया है। कुनिहार जनपद के लोग आज नई फसल आने पर बनिया देवी मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर माता दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं। रियासत काल से चल रहे मेले व विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन मेला कमेटी द्वारा आज भी बदस्तूर जारी है। गांव बनिया देवी का 27 निवासी हूँ। मेरे गांव में बनिया देवी का मंदिर है, एक प्राचीन बॉडी है जहाँ से सभी लोगों को पानी जाता है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, सरकारी लोग भी हैं, नौकरी भी करते हैं। यहाँ पर जगह जगह पर बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। यहाँ पे मक्की, गेहूँ, आलू, गोभी, बैंगन यानी तरह तरह की जो भी सब्जियाँ होती हैं यहाँ पे उगाई जाती है और हम इससे गुजारा करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए आपके इसका इतिहास बताइए कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन समय में हमारे राजा हरदेव सिंह जी होते थे तो उनको सपना दिखाई दिया गया। प्राचीन समय की बात है कि हमारे राजा श्री हरदेव सिंह जी होते थे, यहाँ पे उनको सपना दिखाई दिया कि उनके जो है बाग के पास आम के पेड़ के नीचे जो है पानी का स्रोत है। तो उन्होंने जो है सुबह उठ के लोगों को बताया तो लोगों ने वहाँ पे खुदाई की तो वहाँ पे जो है माता दस भुजा वाली माता थी, उसने जो है उसको पानी को जो है वहाँ पे जो प्रकट होकर बताया कि यहाँ पे खुदाई की जाए और यहाँ पे पानी।
और आज वो पानी जो सारे गांव को प्यास बुझाता है, पानी की प्यास बुझाता है, साथ में सिंचाई भी करता है। हमारे गांव से जो है गांव जुबला कोंटी को भी पानी जाता है। हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं होती, सारी जगह पानी सूख जाता है, लेकिन यहाँ नहीं सूखता। हर साल मेला यहाँ हर साल मेला मनाया जाता है। यहाँ पे जो है 21 मई को जो है बनिया देवी के नाम से मेला मनाया जाता है। यहाँ पे दूर दूर से लोग जो है पहलवान यहाँ पे आते हैं और भाईचारे का यहाँ पे अपना प्यार दिखाते हैं। पहलवान जो राजाओं के टाइम से आते हैं, राजाओं के टाइम से आते हैं ना जी महाराज, राजाओं के टाइम से ही पहलवान आते हैं। और अब तो देश विदेश से भी यहाँ पे लोग आने लगे। अब तो कुश्ती जो है महिला भी आती है यहाँ पे। यहाँ पे बगीचा जो है आम का पेड़, अमरूद के पेड़, और लीची, खुमानी, आलू, तरह तरह के पौधे हैं यहाँ पे, जो कि प्राचीन समय में राजा के समय के हैं। और सबसे पहले कुनिहार से लेकर यहाँ तक जो सड़क बनी थी, यहाँ पे जो है सड़क की कुल कुनिहार से किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर रही है, और बीच में जो है शिव गुफा भी आती जो कि प्राचीन समय से है, और वहाँ पे भी बहुत बढ़िया हो गया, और वहाँ पे शिव जी का मंदिर भी बना दिया गया है, विश्वकर्मा का भी मंदिर बना दिया गया है, और बहुत ही अच्छा है। यानी यहाँ पे लोग दूर दूर से जो है आते हैं और देखते हैं। यहाँ पे जो लोग गुफा देखने आते हैं वो बनिया देवी जरूर आते हैं। बनिया देवी भी आते हैं, जो लोग गुफा देखने आते हैं ना वो बनिया देवी भी जरूर आते हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुनिहार से मीरा शर्मा की रिपोर्ट। सोलन पब्लिक स्कूल प्रेजेंट्स मॉम एंड मी, जहां आप अपने बच्चों के साथ करेंगे रैंप वॉक, टैलेंट राउंड और भी बहुत कुछ। सोलन पब्लिक स्कूल के कैंपस में 15 दिसंबर 2019 को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। तो फिर देर किस बात की, अभी रजिस्टर करें 8988801999 पर। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।